जिंदगी के मोड़ आए ऐसा लगा कि शायद पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन वही बताया ना कि लोगों की दुआ जिससे तुम लोग काम करते, तुम्हारी रोजी रोटी सब मेरे घर की रोजी रोटी सब भी है। सक्सेस होने के बाद आदमी 25 साल के बाद कुछ भी बोले सबको अच्छा लगता सुनने, लेकिन हकीकत यही है कि आपकी लक चलना बहुत जरूरी है। और लक कब चलती है? जब आपके नियत साफ हो, आप जो काम करो आपकी जमीन की आवाज से काम करो और अपने मजहब पे अपने धर्म पे कायम रह के काम करो। सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए धर्म अपनाना, बाद में धंधे पे बैठने का वही हाल करने का नहीं होगा। हर चीज के उसूल रूल्स रेगुलेशन सबके धर्म में बनाए, हमारे इस्लाम में बनाए, कैसे तिजारत करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कोई भी चीज है। बाकी नहीं, ऐसा नहीं कि खाली नमाज को इबादत के तरीके बताए और बिजनेस के तरीके नहीं बताए, ऐसा तो है नहीं। तो मैंने सब चीजें अडॉप्ट की, एजुकेशन के साथ साथ में दीनी तालीम का भी बहुत अच्छा नॉलेज रखा और उस पर नॉलेज रखने का उस पर अमल किया। मैंने बीच में आदर्श को 2-3 दिन पहले ही बोला कि मैं हदीस की किताबें पढ़ता था, बराबर मुझे जितनी हदीसें मालूम है, मुझे ऐसा लगता था कि 20-20 साल मैंने कभी किसी से हदीस बोर्ड पे भी नहीं देखी और सुनी भी नहीं हदीस के बारे तो खाली बोलेंगे मेहनत किया, बुक पढ़ा, ये किया, वो किया, नहीं। आपकी नियत, आप खुद की दुआ, हमारे घर से मुझे पढ़ाया गया, मेरा को पढ़ाने की कोशिश की गई, ठीक है, लेकिन उसके पीछे घर वालों ने बहुत बड़ा कुर्बानी दी। समाज से जिस जगह से मैं उठ के आया, मैंने बताया कि एक टाइम हमारा था कि वालिद साहब ने 1975 में RCC बिल्डिंग बनाई ग्राउंड पसवा, जब तो RCC का कल्चर ही नहीं था। लेकिन एक दौर आया ऐसा कि हम लोग जब तक बड़े होते जब तक गरीबी का भी दौर है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। आगे पढ़ना था लेकिन पढ़ नहीं पाए। मैंने बताया कि MI में मैंने एडमिशन भी दिया था 25 लाख के बोलने पे, वो मुझे हेल्प भी करते थे, लेकिन वही तकलीफ है क्लासेस ज्वाइन करने के, हाजी अली जाने का, वो बोला तरह से वहां पे पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा। फिनिश। बहुत खुशी, कलकत्ता भी गया मैं।